वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी क्रू। इस वीडियो में हम निबोश आईजीसी आईजी 1 के लेक्चर 2 को देखेंगे और इसमें हम बेसिकली एलिमेंट 1.1 के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि मोरल्स एंड मनी, बैरियर्स टू गुड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड व्हाई मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में निबोश आईजीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। इसमें हमने बेसिक कोर्स कंटेंट निबोश आईजीसी के कौन कौन से हैं, उनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम क्राइटेरिया क्या है और कितने मार्क्स हमें चाहिए पास करने के लिए और किन मार्क्स के बिलो जाने के ऊपर या कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आईजीसी 1 या आईजीसी 2 में रेफर की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में आप इसको स्क्रॉल डाउन करके लेक्चर 1 निबोश आईजीसी आईजी 1 सीरीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक हम्बल नोट है, द मेन पर्पस ऑफ दिस लेक्चर सीरीज इज जस्ट टू कन्वे द नॉलेज इन सिंपल वर्डिंग सो बिगनर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन डू आफ्टर अटेम्प्टिंग निबोश आईजीसी। If you found this video helpful, at the end of this video, do share, do comment and like on the video and also subscribe to the channel. Now, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आईजीसी का, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला आपको, एलिमेंट 1, व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को किसी भी वर्कप्लेस के ऊपर बेसिकली मैनेज क्यों करना है। तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास एलिमेंट 1 के, डिस्कस द मॉरल सोशल एंड फाइनेंशियल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्कप्लेस, के वर्कप्लेस के ऊपर मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस जो हैं उनको क्यों, इन तीनों रीजंस के बिना के ऊपर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेगुलेटेड एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कम्प्लाइंस, सिंपल के हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से बेसिकली काम करते हैं और अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स को या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी तो नॉन कम्प्लायंस यानी रूल्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करना, रूल्स को फॉलो ना करना, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं ये हम देखेंगे। समराइज द मेन हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एट वर्क, मतलब के जो डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रुप्स हैं, जैसा कि टॉप मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट है और उसके बाद वर्कर्स हैं, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक्सप्लेन हाउ कॉन्ट्रैक्टर्स शुड बी सिलेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड। सिंपली के कॉन्ट्रैक्टर कौन सा होता है, एक कंपनी या एक ग्रुप या एक बंदा जिसको हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं, हरूफ आम में या सिंपल लैंग्वेज में आप ठेकेदार कह लें कि जिसको हम हायर करते हैं एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जो कंपनी, जो बंदा उसको हायर कर रहा होता है उसे हम क्लाइंट बोलते हैं। तो क्लाइंट एक शॉर्ट टर्म टास्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है और जैसे वो टास्क खत्म हो जाता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी आपस में खत्म हो जाता है। तो हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह से उनको साइट पर मैनेज किया जाता है और किस तरह से उनको मॉनिटर एंड मेजर किया जाता है ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो किया जाए ड्यूरिंग द वर्क और कोई भी बैड इंसिडेंट या एक्सीडेंट है उसको अवॉइड किया जाए। अभी हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट 1.1, दैट इज मॉरल्स एंड मनी, मतलब सिंपल व्हाट इज द मॉरल रीजन टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल रीजन टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टार्ट में हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास हेल्थ की डेफिनेशन है, एब्सेंस टू डिजीज आर इल हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थ। सिंपल ये है कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप एक हेल्दी बंदे हैं, एक हेल्दी वर्कर हैं। सेफ्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरीज, मतलब किसी भी साइट के ऊपर सीरियस पर्सनल इंजरी होने के अगर खदशात नहीं है, वहाँ पर प्रॉबेबिलिटी नहीं है किसी को चोट लगने की, तो उसे हम कहेंगे कि ये सेफ है और सेफ्टी के साथ काम हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है वेलफेयर। वेलफेयर बेसिकली क्या होता है कि एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज, किसी भी साइट के ऊपर बेसिक फैसिलिटीज वर्कर्स के लिए क्या होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर यानी फिल्टर्ड कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, रेस्ट शेल्टर्स अवेलेबल हो, टॉयलेट्स अवेलेबल हो, हैंड वॉश स्टेशन अवेलेबल हो, उसके बाद मेस हॉल अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं इनको जनाब, बेसिक वेलफेयर फैसिलिटीज कहते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी की डोमेन में ही आता है कि वर्कर्स को उनकी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द वर्कर स्ट्रेंथ, कितने नंबर ऑफ वर्कर एक साइट पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको वेलफेयर फैसिलिटीज जो है वो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज है। व्हाई माइट द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट कंसीडर हेल्थ एंड सेफ्टी टू बी अ प्रायोरिटी। सिंपली क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जैसा कि किसी भी बिजनेस में देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी को, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन फोकसिंग ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो सिंपल ये ग्रुप एक्सरसाइज है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को फोकस क्यों नहीं किया जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो की पॉइंट्स इंक्लूड इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले जनाब, कम्पीट्स विद अदर बिजनेस एम्स, रिक्वायर्स टाइम्स एंड रिसोर्सेज, मतलब सबसे जो मेजर रीज़न होती है
वो क्या होती है कि जनाब अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए, रिसोर्सेज यानी फाइनेंस चाहिए। तो एक फाइनेंशियल रीजन हो सकती है या फिर टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है जिसकी बना के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सीइंग इन एज अ कॉस्ट टू द बिजनेस, इग्नोरेंस ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ इंजरी एंड इलनेस। सिंपल फाइनेंशियल रीजन है एक वन ऑफ द मेजर रीजन होती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को साइट के ऊपर मैनेज नहीं किया जा रहा, बिकॉज जो इंप्लॉयर है वो ट्राई करता है कि कम से कम पैसों में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाई जाए, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इनक्रीज़ कर दे। तो कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है किसी भी साइट के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज ना करने में। इग्नोरेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज़ के साइट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगल ड्यूटीज़ को इग्नोर कर रही है, दैट्स वाई वो इसको मैनेज नहीं कर रही। इग्नोरेंस ऑफ हैजर्ड्स मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी को पता है कि उनके काम में उस साइट के ऊपर कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, जस्ट उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये बेसिक वो चीज़ें हैं जिनकी बना के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसी को कंटिन्यू करेंगे, बैरियर्स टू गुड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। बैरियर्स क्या होते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हेल्थ एंड सेफ्टी को साइट के ऊपर करने में हर्डल देती हैं, बैरियर बनती हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस, मतलब कि वर्क प्लेस बड़ी कॉम्प्लेक्स है, मशीनें बड़ी पास पास लगी हुई हैं, जो पाथवे हैं वो बड़े नैरो हैं, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क प्लेस एक मेजर बैरियर है टू वर्ड मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स क्या है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं उन्हें हम कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स कहते हैं। जैसा कि टाइम स्केल, टाइम प्रेशर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है तो अब अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो किया जाएगा, रूल्स को फॉलो किया जाएगा, तो उस टाइम विंडो में, उस टाइम स्पैन में हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे प्रोडक्ट, तो ये एक मेजर इश्यू हो सकता है। स्टैंडर्ड्स मतलब कि स्टैंडर्ड्स को मीट करना कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, दैट्स वाई वो उनको फॉलो नहीं कर रही। बजट, बजट सिंपली हमने ऑलरेडी इसके बात कर ली है कि फाइनेंस एक मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से कंपनीज हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं कर रही। तो बजट इशू हो सकता है, छोटी कंपनीज में ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मल्टीनेशनल्स या बड़े ग्रुप होते हैं वो इजीली हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं, टीम रिसोर्सेज टाइम सारी चीज़ें वो एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं। बिहेवियरल इश्यूज, पीपल फेलिंग टू एक्ट एज डिज़ायर आर मेकिंग मिस्टेक्स। सिंपल क्या है कि समटाइम्स सारी चीज़ें होने के बाद वर्कर बिहेवियर्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिवली बिहेव करते हैं टूवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी, और हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स को, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, कि साइट के ऊपर हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों करना है। तो बेसिकली देयर आर थ्री मेजर रीजंस टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट क्यों होना जरूरी है, हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज किया जाए, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर क्यों फोकस किया जाए, तो देयर आर थ्री बेसिक रीजंस। वन इज मॉरल रीजन, मतलब कि इखलाकी जिम्मेदारी है, इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर की मॉरल इखलाकी जिम्मेदारी है कि एज वर्कर्स आर कमिंग ऑन द साइट दे विल लीव द साइट एट द एंड ऑफ द शिफ्ट सेफली एज दे वर कमिंग ऑन द शिफ्ट। मतलब सिंपली ये एक अखलाकी जिम्मेदारी है कंपनी की कि जिस तरह से वर्कर साइट पे सेफली, सेफ, साउंड, हेल्दी आ रहे हैं, वैसे ही शाम को शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद सेफली, हेल्दी, हैप्पी वो वापस जाए अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर को अर्न करने के बाद, ना कि उनको चोट लग जाए। कोई भी सोसाइटी उस कंपनी को पसंद नहीं करेगी जिसमें फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हों, फ्रीक्वेंट लोगों को चोट लग रही हो। तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास लीगल आर सोशल रीजन, तो देर आर सम लीगल इम्प्लीकेशंस ऑन ऑल द बिजनेसेस। किसी भी कंट्री में जो बिजनेस हो रहे होते हैं उसके ऊपर कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस होती हैं कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। ये मिनिमल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप ब्रीच नहीं कर सकते, इन दीज आर द लॉज, और अगर आप लॉज को फॉलो नहीं करोगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कम्प्लायंस जो है वो बेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक आर फाइनेंशियल रीजन टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को, इंश्योर्ड कॉस्ट को और अनइंश्योर्ड कॉस्ट को। सिंपली कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें मनी या पैसे इन्वॉल्व होते हैं, लॉस ऑफ मटेरियल हो सकता है, लॉस ऑफ मशीनरी हो सकता है, लॉस ऑफ पर्सन हो सकता है, लॉस ऑफ इक्विपमेंट प्लांट, मतलब कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो भी एक्सीडेंट होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियली कंपनी को लॉस कर रहा होगा। इन सब लॉसेज को अवॉइड करने के लिए बेसिकली थ्री मेन रीजन हैं, वन इज मॉरल रीजन, सेकंड वन इज फाइनेंशियल रीजन एंड थर्ड वन इज लीगल रीजन, जिनकी बना के ऊपर हमने साइट में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है मॉरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। हम देखेंगे कि मॉरल यानी इखलाकी जिम्मेदारी क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। तो कुछ ILO के स्टैटिक्स हैं, व्हाट इज ILO, बेसिकली ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स और वर्कर राइट्स के लिए ये काम करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
और सेवरल स्टैटिक्स जो है ये पब्लिश करती है, और इसके हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन दी फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस पब्लिश होते हैं और उनको फॉलो किया जाता है। सेवरल अदर कंट्रीज ने, सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अपने जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं जैसा कि C155 है और R164 है, इनको अपने लीगल स्ट्रक्चर में अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब ये हमारे लॉ का हिस्सा है। तो बेसिकली ILO जो हमारे पास कुछ स्टैटिक्स जो पब्लिश करती है रिगार्डिंग टू मॉरल रीजन, जिसे हम कह सकते हैं, ओवर 350,000 वर्क रिलेटेड फर्टेलिटी एक्सीडेंट ईच ईयर, ये रिपोर्ट करते हैं कि 350,000 फेटल एक्सीडेंट होते हैं। फेटल एक्सीडेंट कौन से होते हैं? जिसमें किसी बंदे का बॉडी पार्ट लॉस हो जाए, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, या किसी बंदे की डेथ हो जाए। अब इसमें मल्टीपल कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं, मल्टीपल लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो 350,000, और ये वो एक्सीडेंट्स हैं जो कि ILO को रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ILO को रिपोर्ट ही नहीं हो रहे होते। 2.75 मिलियन, 1 मिलियन स्टैंड्स फॉर 10 लाख, सिंपली 27,50,000 वर्क रिलेटेड फर्टेलिटीज ईच ईयर, 27,50,000 लोग एवरी ईयर हेल्थ एंड सेफ्टी के इग्नोरेंस की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें मारे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि 27,50,000 फैमिलीज जो हैं वो सफ़र करती हैं ड्यू टू नॉट मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन द वर्क प्लेस। 2.4 मिलियन फर्टेलिटीज फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी होती है? ऐसी बीमारी जो कि आपको आपके काम की वजह से लगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की हियरिंग जो है वो लॉस हो जाती है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन इन द एयर, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। लेकिन अगर एक बंदा जनरेटर रूम में काम कर रहा था, कंप्रेसर एरिया में काम कर रहा था जहाँ पे हाई नॉइज था, और आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड उसकी हियरिंग जो है वो कुव्वत समात जो है वो खत्म हो जाती है, हियरिंग लॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो वो हियरिंग लॉस जो उसके काम की वजह से लगा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो 2.4 मिलियन लोगों की ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसा कि कैंसर एक बेसिक रीजन हो सकती है, लंग्स प्रॉब्लम्स या अस्थमा हो सकता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, मतलब कि 24 लाख लोग काम की वजह से जो बीमारियां लगती हैं उनमें वो मारे जाते हैं। नेक्स्ट इज 270 मिलियन एक्सीडेंट्स एंड 160 मिलियन डिजीजेज आर ईयर्स ड्यू टू वर्क। सिंपल इज दैट दीज आर वेरी हाई स्टैटिस्टिक्स। 270 मिलियन, 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 160 मिलियन डिजीजेज, मतलब ये कहने का अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं किया जाता तो ये एक बहुत बड़े लॉस की तरफ लेके जाती है। फैमिलीज को स्पॉइल करती है, वर्कर्स को स्पॉइल करती है, स्किलफुल लेबर जो है वो वेस्ट हो जाती है, स्किलफुल जो वर्कर है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की, मेंटेन करें हेल्थ एंड सेफ्टी को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, ताकि कम से कम लॉस हो सके, कम से कम इंसिडेंट एक्सीडेंट हो, कम से कम डिजीजेज वर्कर्स को वर्कर डिजीजेज से सफ़र करें। नेक्स्ट इज 4% ऑफ ग्लोबल GDP इज लॉस्ट, इट्स अ बिग अमाउंट। GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री में जितनी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उसे उस कंट्री का GDP कहते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पिन टू अ स्पेसशिप, जितनी चीज़ें बन रही हैं उसका अगर 4% लॉस हो रहा है, इट मीन्स दैट कि हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो कि इंसिडेंट एक्सीडेंट्स में लॉस हो जाता है ड्यू टू नॉट मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये हमें बताती है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन सब लॉसेज को, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए साइट पर और हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रुप एक्सरसाइज है। An employer at work has been seriously injured in a workplace accident. In a group, list the possible effect and implications of this accident on the injured employee, company and line manager. मतलब कि injured employee के ऊपर उस accident के क्या नुकसानात होंगे, company के ऊपर क्या नुकसानात होंगे और line manager के ऊपर क्या क्या effects आएंगे, तो ये हम discuss करते हैं। Group exercise है, one by one हम देखते हैं। इफेक्ट्स ऑन इंजर्ड इंप्लॉई, इंजर्ड इंप्लॉई को क्या हो सकता है? पेन एंड सफरिंग, डेफिनेटली उसको चोट लगेगी, पेन एंड सफरिंग होगी। लॉस ऑफ टाइम एंड वेजेस, उसका टाइम वेस्ट होगा और माइट भी उसको जो है वेजेस, मतलब जो वो कमा रहा है उसकी उसमें इंटरप्शन आ जाए। इम्पैक्ट ऑन फैमिली, डेफिनेटली अगर एक सिंगल बंदा घर में ब्रेड अर्न कर रहा है, ब्रेड सोल ब्रेड अर्नर है, तो डेफिनेटली उसकी फैमिली भी उस एक्सीडेंट के बाद सफर करेगी। ongoing impact on work, might be उसकी कोई disability हो जाए, कोई और amputation हो जाए जिसकी वजह से ongoing for the lifetime उसके काम के ऊपर कोई इफेक्ट आ जाए। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट आ जाएगा जनाब? पेमेंट ऑफ सिक पे, सिक पे क्या होती है कि जब एक वर्कर को चोट लग गई या बीमार हो गया है वो साइट पे नहीं आ रहा तो उसकी पे उसको दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड सिक पे। तो लॉस ऑफ कंपनी है कि एक बंदा काम पे नहीं आ रहा लेकिन उसकी पे देना पड़ रही है। नेक्स्ट इज ओवर टाइम कवर फॉर द एम्प्लॉयज़, जब किसी शिफ्ट में एक्सीडेंट हो गया तो उस शिफ्ट में जितना काम पेंडिंग था उसको कंप्लीट करने के लिए बाकी वर्कर्स को ज़्यादा टाइम रोका गया,
ओवरटाइम पेमेंट टू दोज वर्कर्स बी कंपनी का लॉस है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट फॉर रिप्लेसमेंट, अगर बंदे को चोट लगी है, डिसेबिलिटी हो गई है या फिर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी रिप्लेसमेंट, या वो कंपनी छोड़ गया उस एक्सीडेंट के बाद तो उसकी रिप्लेसमेंट में बंदे को हायर करने की जो कॉस्ट है वो भी कंपनी बेयर करेगी। इंश्योरेंस क्लेम एंड इंश्योरेंस एक्सेस, जो है इंश्योरेंस एक्सेस पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक्सेस बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी इंश्योरेंस करवाती है तो बेसिकली उसमें जो एग्रीमेंट होता है, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जो उसने 5 ईयर के लिए एक पेट अमाउंट उस कंपनी को देनी होती है। फॉर एग्जांपल हम एक गाड़ी लेते हैं, उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ी फॉर एग्जांपल 5 मिलियन की है, उसकी इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल 3 लाख उसकी इंश्योरेंस है, 3 लाख हमने 5 साल के लिए उसको पे कर दिया, दैट इज कार्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 80% पे करेगी और 20% जो है वो ओनर ऑफ द कार या ओनर ऑफ द कंपनी पे करेगा, दैट इज दैट 20% इज कार्ड इंश्योरेंस एक्सेस। तो कंपनी को इंश्योरेंस एक्सेस जो है वो पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। उसके बाद हम आते हैं फाइंस एंड प्रोसिक्यूशंस। डेफिनेटली जब भी कंपनी के ऊपर, जब भी कंपनी में एक मेजर एक्सीडेंट होगा तो कंपनी के खिलाफ कुछ फाइंस, मतलब कि स्टेट जो है उसके ऊपर फाइन करेगी या फिर प्रोसिक्यूशन के कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है उनको फेस करना पड़ेंगे, तो वो भी कंपनी का एक लॉस है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड इंश्योरेंस प्रीमियम्स। ऐसी कंपनी जिसमें बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है। मतलब एक नई गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है, जब वो गाड़ी 5 साल चल जाती है तो उनका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बढ़ जाता है, मतलब कि जो पेट अमाउंट हमने 5 साल के लिए उनको देनी है उसकी अमाउंट वेरी करती है। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उनका इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन लाइन मैनेजर, के जो लाइन मैनेजर जिसके अंडर वो बंदा काम कर रहा था उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। तो लॉस ऑफ स्किल फ्रॉम द टीम, एक स्किल्ड एक कंपिटेंट बंदा जो काम कर रहा था अब यकदम से उसको चोट लगी है वो साइड पे नहीं आ रहा तो उसकी टीम में से एक कंपिटेंट बंदा निकल जाएगा तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा हेडेक या हैक्टिक काम करना पड़ेगा और बाकी बंदों को समझाने के लिए या जो नया बंदा आया उसको ट्रेन करने के लिए। टाइम एंड कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, डेफिनेटली उसकी जगह पे जो बंदा आया है, एक बंदा जो कि 5 साल से काम कर रहा था उसकी रिप्लेस में एक नया बंदा आ गया तो डेफिनेटली लाइन मैनेजर को उसे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम उसे देना पड़ेगा, तो ये भी उसके लिए लॉस है। इफेक्ट ऑफ ओवरटाइम कवर ऑन द शिफ्ट, डेफिनेटली हर लाइन मैनेजर की प्रोग्रेस चेक हो रही होती है कि उसकी शिफ्ट में एक्सपेंसिस कितने आ रहे हैं और उसकी शिफ्ट में प्रोडक्शन कितनी आ रही है। तो डेफिनेटली जब ओवरटाइम के लिए बंदों को रोकेगा तो ज़्यादा फाइनेंस उसकी शिफ्ट में इन्वॉल्व होगा तो जनाब उसमें क्या होगा कि हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा उस लाइन मैनेजर का। रेपुटेशन ऑफ लाइन मैनेजर, डेफिनेटली जिस लाइन मैनेजर की शिफ्ट में ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी रेपुटेशन डैमेज होगी, उसकी प्रमोशंस में या उसके इंक्रीमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक लाइन मैनेजर फेस करेगा इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। तो बेसिक हमने इसमें 3-4 टॉपिक्स जो थे कवर किए कि मॉरल रीजन क्या है, और मॉरल रीजन में हमने फर्दर देखा कि हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करना है, और उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा, मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने डिटेल में बताने की ट्राई किया कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, इंश्योरेंस एक्सेस क्या होता है, जो भी पॉइंट आया हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है, बिकॉज वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द बुक, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम डीप में डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे ताकि अच्छा कॉन्सेप्ट बन सके पेपर में और बाकी चीज़ों को समझने में, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने में हेल्प हो सके। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो, लेक्चर नंबर 3 की वीडियो में हम एलिमेंट 1 के 1.1 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम फाइनेंशियल रीजन टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द एक्सीडेंट को डिस्कस करेंगे, इंश्योर्ड कॉस्ट एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट ऑफ द एक्सीडेंट को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट अपकमिंग वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, इफ़ यू गॉट सम गुड इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू गॉट सम गुड एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट 1.1 के जो टॉपिक हमने 1-2 कवर किए हैं, देन डू कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो।